SIV लोगो में कैब चेंज करने का तरीका। SIV लोगो में कैब चेंज करने के लिए पहले हम जो है AC9 को फुल अप्लाइड कंडीशन में रखेंगे। इस कंडीशन में AC9 को फुल अप्लाइड कंडीशन में रखें, इससे हमारा जो है बैक सिलेंडर का कांटा जो है देखिए 3.5 kg दिखा रहा है और A9 हमारा रिलीज है। A9 जो है का जो BP प्रेशर है वो 5 kg दिखा रहा है। अब ये हमारा जो ब्रेक सिलेंडर में जो है लोको का जो है ब्रेक फुल्ली अप्लाइड कंडीशन में है। अब इसको कैप चेंज करने के लिए हम जो है पहले BL DJ के द्वारा DJ को ट्रिप करेंगे। इस समय देखिए ये लाल बत्ती जो जल गया, लाल बत्ती जो है ये जो है हमारा जल गया। अब जो है हम कंप्रेसर स्विच को ऑफ पोजीशन में दे देंगे। अब जो है ZPT को 0 पोजीशन में लाएंगे। इसके बाद BL की को हम, ये BL की है, BL की को हम जो है ऑफ कर देंगे। अब देखिए जो BL की को हमने प्रॉपरली ये जो हमारा लॉक कंडीशन में आ गया, इसका जो है हम पहचान यहीं से कर लेते हैं कि हमारा जो है पायलट लैंप, कोई भी पायलट लैंप नहीं जल रहा है। BL की अगर हमारा अगर अनलॉक रहेगा, BL की हमारा अगर अनलॉक रहेगा तो देखिए ये पायलट लैंप जल गया। ये पायलट लैंप जो है जल जाने से ये हम समझेंगे कि हमारा BL की हम जो अनलॉक कर रहे हैं वो अनलॉक हो गया, या हम अगर लॉक किए हैं तो वो प्रॉपरली लॉक नहीं हुआ है, तो हम उसको फिर से जो है BL को सेट करके और उसको लॉक करेंगे। तो इस समय जो है हमारा BL की अनलॉक है, अब हम इसको लॉक कंडीशन में कर दिए। अब इसके बाद जो है हम जो है AC9 और A9 के कॉक को आइसोलेट करेंगे। A9 और इससे नीचे अंधेरा रहता है, दिखाई नहीं देता है पूरा, इसके लिए हम यहीं से इसका जो है टेस्टिंग कर लेते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए हम SA9 को रिलीज पोजीशन में देते हैं। जब SA9 को रिलीज पोजीशन में देखेंगे देंगे तो हम देखते हैं कि हमारा जो ब्रेक सिलेंडर का कांटा वो 3.5 kg से नीचे नहीं उतरा, कोई भी लीकेज जो है यहाँ से हमको एयर प्रेशर का नहीं सुनाई दिया। इसका मतलब हमारा SA9 जो है प्रॉपर AC9 का कॉक जो है प्रॉपरली जो है आइसोलेट हो गया। इसी तरह से हम A9 के कॉक को भी देखेंगे कि A9 को ऑपरेट करने के समय में कोई हमको साउंड नहीं मिल रहा, कोई एयर प्रेशर ड्रॉपिंग का साउंड नहीं मिल रहा, जबकि हम जो है A9 को अप्लाइड पोजीशन में दिए। इस समय हमारा A9 काम करेगा, ब्रेक जो है BP प्रेशर ड्रॉप करेगा, लेकिन ये सिर्फ जो है इमरजेंसी पोजीशन में ही इसका BP प्रेशर ड्रॉप करेगा। देखिए जब हम इसको लगाते हैं ये जो है BP प्रेशर ड्रॉप कर रहा है। तो इस तरह से हम इसको जो है कैब को प्रॉपरली जो है हमने इसको सेट राइट कर दिया। अब हम जो है दूसरे कैब में जाएंगे। इस बार देखिए हम लोग जो है दूसरे कैब में आ गए। दूसरे कैब में आने के बाद यहाँ पर जो है हमारा देखिए कि पायलट लैंप जो है बुझा हुआ है और सारे कॉक हमारे आइसोलेट हैं। इसके लिए अब हम सर्वप्रथम जो है BL की को लगाएंगे। BL की को लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए BL की जो प्रॉपरली अनलॉक हुआ है, ये हमको साइन मिल रहा है कि हमारा जो है पायलट लैंप बत्ती जल गया। अब जो है हम पेंटो को ZPT की को इसमें लगाया, पेंटो सिलेक्टर की को हमने लगा करके और इस को जो है पोजीशन में दे दिया, जो कि 1 नंबर पोजीशन है। हमारा पीछे वाला पेंटो उड़ जाएगा। अब इसके बाद जो है हम DJ को जो है क्लोज करेंगे। इसके लिए BL DJ को दिए और BL RDJ को देंगे। देखिए BL RDJ को देते ही हमारी लाल बत्ती बुझ गई, लेकिन हरी बत्ती अभी भी जल रही है, चूँकि SIV लोको है
SIV लोको में, जब तक SIV पूरी तरह से चालू नहीं हो जाएगी तब तक ये हमारी हरी बत्ती जलती रहेगी। SIV जब 415 वोल्ट आउटपुट, हाँ देखिए अब जो है हमारा SIV पूर्णतः चालू हो गया। अब इसके बाद जो है हम इस कैम में भी जो हमारा, चूँकि कॉक आइसोलेट है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है SA9 और A9 के कॉक को नॉर्मल करेंगे। SA9 और A9 के कॉक को नॉर्मल करने के बाद हम इसका टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के समय में SA9 को हम पार्शियली ड्रॉप करेंगे। पार्शियली ड्रॉप करने से हमारा ये है कि इसका अगर इनलेट जो है हमारा, वो अगर इनलेट जो है हमारा कॉक प्रॉपरली नॉर्मल नहीं हुआ है तो हमारा जो है प्रेशर उसमें जाएगा नहीं। सिर्फ आउटलेट कॉक को हमने अगर नॉर्मल कर दिया तो प्रेशर हमारा रिलीज हो जाएगा। तो हम इसको पार्शियली ड्रॉप करने के बाद फिर पुनः अप्लाई कर देंगे, जिससे हमको ये पता चलेगा कि अगर हमारा ब्रेक सिलेंडर जो है 3.5 kg से 3 kg बा 2.5 kg आ गया और पुनः हम उसको अप्लाइड कंडीशन में दे रहे हैं तो 3.5 kg आ जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारा SA9 कॉक, लोको ब्रेक आइसोलेटिंग कॉक हमारा पूर्णतया सामान्य स्थिति में है, नॉर्मल हो गया है। इसके बाद हम A9 को टेस्ट करेंगे। A9 को टेस्ट करेंगे तो देखेंगे कि हम ज्यों ही A9 को अप्लाई पोजीशन में देते हैं त्यों ही हमें एक एयर लीकेज साउंड मिलता है और हमारा BP प्रेशर 0.5 kg या जैसा हम उसको अप्लाइड पोजीशन में देंगे हमारा उतना BP प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो है लोको, इसका दूसरा कैब एनर्जाइज हो गया।